बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 20.7 क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं आज हम। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, डिवाइड 12 इनटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। अब आपके पास इस क्वेश्चन में आपने सारी चीज़ें समझने की हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंडीशन आपने खुद बनानी है। अब कंडीशन आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को कम्प्लीटली बहुत बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। आखिर क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाती जाती हूँ और क्वेश्चन को रीड करती जाती हूँ, ठीक है, फिर कंडीशन हम बनाते जाते हैं साथ साथ। तो आपके पास सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपके पास आपको फाइंड करना है ना, उसको आपने ले लेना है कि इस तरह के, भाई लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं लेट एक्स बी द नंबर। सबसे पहले आपने नंबर ले लिया कि एक्स बी द नंबर। अब क्वेश्चन को रीड करते जाइए, क्योंकि जो आपने फाइंड करना है, ठीक है, वो है एक्स। अब आपसे कह रहे हैं डिवाइड 12 इंटू टू पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। अब आपसे कह रहे हैं 12 है, डिवाइड कीजिए 12 को टू पार्ट्स में, सच दैट किस तरह से, क्या आपने करना है डिवाइड 12 इंटू टू पार्ट्स। अब टू इक्वल पार्ट्स नहीं कहा है आपसे, आपसे कहा है डिवाइड कीजिए 12 को टू पार्ट्स में। तो डिवाइड 12 इंटू टू पार्ट्स, तो 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 12 को डिवाइड किस तरह करेंगे कि हम 12 में से x को माइनस कर देंगे। अब जो भी x होगा ना, वो इसमें से माइनस हो जाएगा, आपके पास दो नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 12 को माइनस करें इसमें से, तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो आपका रिक्वायर्ड है। अब है दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और फिर इनके स्क्वायर्स का सम ग्रेटर देन है, अच्छा ग्रेटर देन की बारे कंडीशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और अब इनके स्क्वायर्स का सम, लेट एक्स का, एक्स का और इसका स्क्वायर का सम, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स आर। अब इनके स्क्वायर्स का सम क्या है, इनके स्क्वायर्स का सम, ठीक है, तो इनके स्क्वायर्स का सम है, पहले वाले का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर, फिर सम है, फिर है 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गई दूसरी कंडीशन के एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, कि इनके स्क्वायर्स का सम इज ग्रेटर देन द ट्वाइस, ठीक है, इज ग्रेटर देन द ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। और फिर आपके पास ट्वाइस, इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस, ठीक है, आपके पास जो है वो क्या है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, अब इसके प्रोडक्ट का ट्वाइस, ठीक है, अभी भी इनके आपके पास किसका स्क्वायर्स के सम का ट्वाइस था, वो था सॉरी स्क्वायर्स का सम था, देन फिर अब आपके पास जो अगली कंडीशन है वो है आपके पास इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस। अब इनका प्रोडक्ट क्या है, तो ये प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गए, और ट्वाइस का मतलब डबल, यहाँ पर कहा गया था स्क्वायर्स, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ट्वाइस है। अब बाय 4, अब पूरा क्वेश्चन करके पढ़ के हम पूरी एक कंडीशन बनाएंगे। अभी तो हमने स्मॉल स्मॉल कंडीशंस पे तोड़ लिया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन हमें कह रही है, स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ूंगी मैं, ठीक है, तो डिवाइड 12 इंटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ठीक है, 12 को डिवाइड कीजिए टू पार्ट्स में, ठीक है, फिर उनके स्क्वायर्स का सम ग्रेटर है, ठीक है, किससे, इससे, और बाय 4 यानी कि ये इक्वल हैं दोनों 4 के, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर है, ये छोटा है तो इसके साथ आएगी माइनस की साइन, ये आ गई आपके पास गिवन कंडीशन। अब इसको करना है आपने सिंप्लीफाई,
तो हमारे पास किस तरह से करेंगे देखें, यहाँ तो आपके पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा टू ट्वेल्व से 24x माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल है 4 के, एक्स स्क्वायर प्लस 12 से 144 माइनस 2 12 से 24x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 4 इस तरफ आके माइनस का 4 इक्वल है 0 के। नाउ एक्स स्क्वायर के टर्म प्लस के हैं सारे, तो ये आपके पास हो जाएगा सिंपल यहाँ से 2x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर, तो यहाँ से ये आपके पास हो गया है सिंपल 6x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे जो है ना 2 1 2 x स्क्वायर होना था, ठीक है, तो अब ये हो गया आपके पास टोटल 4x स्क्वायर 24x माइनस का 48x 144 माइनस 4 हुआ, तो आपके पास ये हो गया माइनस का प्लस का 140 इक्वल है 0 के। अब आपके पास ये सारे 4 के जो है ना क्या कह रहे हैं मल्टीपल्स हैं, तो 4 को कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 × 4 = 8x, फिर आपके पास है 4 3 = 12 4 5 = 20 इक्वल है 0 के, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करें उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा और ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 0.4 0 के इक्वल होता है ना इसलिए। अब आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 35 का आपने लेना है LCM, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ जाएगा 35 5 7 35 7 7 7 और 5 को ऐड करें तो आपके पास 12 आ जाता है, दोनों की साइन होगी माइनस की, माइनस का ही 5x माइनस का ही 7x प्लस 35 इक्वल है 0 के। अच्छा इसमें आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू आएगी, वो आएगी x की, क्योंकि कंडीशन में सिर्फ आपसे एक ही वेरिएबल की बात की गई है, ठीक है, एक ही वैल्यू की बात की गई है, माइनस का 7 कॉमन एक्स माइनस 7 5 = 35 एक्स माइनस 5 और यहाँ से हो गया एक्स माइनस 7 इक्वल है 0 के। इधर और करें एक्स माइनस 5 इक्वल है 0 के, यहाँ से एक्स माइनस 7 इक्वल है 0 के, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, माइनस का 7 दूसरी तरफ जाके प्लस का 7, तो द रिक्वायर्ड नंबर आर 5 and 7, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपके पास 5 है या होगा या 7 होगा, ठीक है, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन था, ठीक है। ये था एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 10, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कंडीशन को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए जो है वो यहाँ पर क्वेश्चंस की जो है वो बनानी है आपने इक्वेशंस। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अल्लाह हाफिज़।